अनुचंद्रा, ये इनोसेंट है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखो, हमारे जुडिशियल सिस्टम का ना पहला सिद्धांत कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष है। वेलकम 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 बैक टू बेड टाइम पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ अंकुर नहीं है, वो बेचारा बीमार पड़ गया, पर आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आयुष, नील और चेतन। चेतन शुरू में था, फिर बीच में थोड़ा गायब हो गया था, इसने भी आज थोड़ा कमबैक किया अपना पॉडकास्ट। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं काफी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, और ये एक्चुअली टॉपिक है अबाउट रिया चक्रवर्ती, कि पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हो गई थी उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ लोगों को ब्लेम किया गया। पहले बोल रहे थे डिप्रेशन है, सुसाइड है, फिर मर्डर है, ये है वो है, और उसके बाद बेसिकली सारा बिल आके फटा रिया चक्रवर्ती के ऊपर। तो सबका मैं वही ओपिनियन जानना चाहूंगा, तुम लोगों को क्या लगता है, वो इनोसेंट है या उसकी कुछ लेना देना है इस सब से, या क्या मतलब? कातिल है, कातिल एक नंबर, कातिल है, कातिल एक नंबर के कातिल है, कातिल नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो चलो मारा है उसने, खून किया है खून। सुधीर चौधरी और अर्णब गोस्वामी जब एक साथ मिल जाते हैं वो नील मोहपात्रा बन जाते हैं। तुझे क्या लगता है चेतन, क्या लगता है तुझे? कि क्या उसकी वजह से ही सिर्फ हुआ सब कुछ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो उसका भी कुछ हाथ हो गई। जैसा अब हमने सुशांत सिंह राजपूत को देखा, पर्सनल लाइफ हमें नहीं पता, प्रोफेशनल लाइफ में हमने देखा कि अच्छा खासा करियर था उसका, बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। हमें नहीं पता कि क्या रीजन था उसके सुसाइड का। अब क्राइम एजेंसी कोई भी तुझे लगता है कि वो मर्डर था? हाँ वही, अगर मैं क्राइम सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे जाऊँ, क्योंकि हम तो सिर्फ उन्हीं पे जा सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन कैसे दे सकते हैं बिना प्रूफ के। तो एज पर देम तो सुसाइड ही था, कोई भी उन्हें एविडेंस नहीं मिला, सीबीआई इन्वॉल्व थी, महाराष्ट्र पुलिस। तेरा ये बोलूंगा, जिस हिसाब से पिछले एक साल से इतना मीडिया ट्रायल हुआ है, सोशल मीडिया ट्रायल हुआ है, इनफैक्ट कुछ कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे जिन्होंने केस सॉल्व भी कर दिया विद प्रूफ। ऐसे भी लोग सपने भी आने लगे, वो उसको उसके मेड भी आने लगे सुशांत सिंह को, उसके सर्वेंट को न्यूज में लेके आ जाते हैं, उसके सर्वेंट को वो वीडियो में ले आते हैं, पड़ोसियों को ले आते हैं, वो पड़ोसी कुछ क्लेम करते हैं, सर्वेंट कुछ क्लेम करते हैं। अगर मतलब हम चाहे तो इस पे और एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे है वो वीडियो का हम एक, हाँ तो उनका क्लिप्स जैसे हम उनको स्टडी करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, बहुत ऐसे जिन्होंने लाखों या पूरे पिछले एक साल में लॉकडाउन में घर बैठ के लाखों लाखों व्यूज, लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स कमा लिए इस पे, और उन्होंने घर बैठे बैठे जिंदगी बना ली उन्होंने। हाँ और उन्होंने बस जीवन का लक्ष्य यही है, उन्होंने इतना फॉलोवर ये वो कमा लिए, और ये सारा केस भी सॉल्व कर दिया, प्रूफ भी दे दिए, सब सब कर डाला है उन्होंने। लेकिन अगर तू अब एक साल बाद देखे, क्योंकि इसी मंथ एक साल हुआ लगभग, एक साल से मतलब ज्यादा हो गया, तो अब देखा जाए तो जैसी न्यूज आ रही है या जैसा चल रहा है तो दिखाए, अब इवन वो भी बेल पे आउट है, एंड नार्कोटिक्स का उस पे वो भी लगा, लेकिन तो जैसे अच्छा मैं बोलने के पहले अभी तक आयुष का हमने रिएक्शन नहीं लिया, तेरे हिसाब से तुझे क्या लगता है, रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है या उसका कुछ लफड़ा है, लेना देना है इससे सुशांत सिंह? भाई मेरे को तो 100% लगता है उसका कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि देख सच्ची बताऊं कि अगर मैं भी रिपोर्ट्स के बारे में अगर जाना, लाइक सोशल मीडिया, वो मीडिया वाले लोगों के नहीं, इनफैक्ट लाइक पुलिस की किसी रिपोर्ट है कहीं पर ना ऐसा भी मेंशन था, जो जो एक्चुअली जोक बन गया ना मीम, कि एक बंदे पास कुछ तो 50 करोड़ थे, सब खर्च 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 करके कर करके दंगा कर दिया बेचारे को। और दूसरा एक है कि वो गोल्ड डिगर टाइप उसको लेबल कर दिया कि वो सुशांत के सारे पैसे खा गई, पता नहीं अपने को कि कितना सच्चा कितना झूठ है, बट सब जगह बोल रहे हैं। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें तो एक तरह एक हद तक सच भी है, मतलब भाई के लिए उसने लिया, घर वर किया, ये सब वो गोल्ड डिगर वाला चीज है, तो इसलिए मुझे लग रहा है भाई बंदे का दिमाग खराब हुआ होगा, इतना इतना ज्यादा प्रेशर में आके इतना जितना पैसा था वो अकाउंट में नहीं, मुझे नहीं लगता उसको पैसे की कुछ वैसा था, इमोशनली वो ज्यादा हर्ट था।
और कमा लेता करोड़ों वो। रुपए उसने डोनेट भी किए वैसे तो पैसे के मामले में वो इतना सीन मतलब पैसे अबे चले हाँ, गए मतलब तो पैसे के मामले में तुझे वही तूने होगा मुझे शुरू में यार। बोला, वो तूने शुरू फालतू में में से बोला पैसे लूट गए ना। कि रिया चक्रवर्ती का कुछ है, इतना जोर जोर से तू चिल्लाया तो तेरा क्या है थॉट प्रोसेस उसके पीछे? अब बोले तेरा नेट भी अच्छा अबे चल रहा है। मेरे बोलने से क्या होगा? अगर अरे तू बोला क्यों किसी के फिर बोलना, क्या पता जो क्या पता कातिल क्या है पता वही नीचे बोल की रहे, पट्टी सब देख बोल रही रहे थी हैं, उसमें सब लाइक लोग नहीं बोल रहे है। कातिल है, मैं भी बोलूंगा कातिल है, व्यूज चाहिए अपने को। अबे नहीं, बट ऑन अ सीरियस कुछ तो तेरे को बोल क्या मतलब, लगता है? हाँ ऑन अ न्यूज सीरियस मैंने भी सीरियस देखी। में फैक्ट वही है यार। अभी उसको जहां मन मिले, पहले इस सुशांत की गर्लफ्रेंड, उसको लगा बस मेरा हो गया इसके साथ, मेरे को स्कोप मिल रहा है आगे, फिर पकड़ ली उस बुड्ढे को, बुड्ढे के साथ उसका अच्छा चला हाँ मस्त। मतलब, अरे पर ये तू अब पता ये नहीं भी सोचना, अभी तो रिया चक्रवर्ती के हिसाब से सोच कि 1 साल से वो एक लड़की है, ठीक है, उसको पूरा इतनी गालियां पड़ रही है 1 साल से। कुछ तो एक वीडियो क्लिप भी थी कि उसके घर के बाहर मेरे को तो और एक बोल 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 मेरे को बोल एक तू टाइम बोल। पे लगा कि ये सुसाइड कर लेगी, इतना उसको हाँ किया, हरास किया, मेरे को लगा ये निकल लेगी कुछ टाइम में, तो वही तो लेकिन जो सस्टेन हरासमेंट किया की उसने बात है, काफी। क्योंकि उसके घर वो एक कुछ तो उसने एक इंस्टाग्राम पे कहीं तो भी क्लिप डाली थी खुद ना खुद ने, कि उसके घर के बाहर कितना सारे मीडिया खड़े हैं। तो तेरे घर के बाहर इतने लोग खड़े हैं दिन रात कैमरा घर के घुसेड़ बाहर के तेरे गाड़ी जा मोबाइल रही है तो गाड़ी में कैमरा घुसा रही है, ये देखो जा रही है, ये और उसने क्या पहना तेरे को है, उसने क्या नहीं सोशल मीडिया में, पहना। टीवी मीडिया में तेरे को कॉन्स्टेंटली हर बार सुबह से शाम तक तेरे को बोला जा रहा है कि तू एक गोल्ड डिगर है, तू ड्रग एडिक्ट है, तू मर्डरर है, तू तेरा शु महेश भट्ट तेरा शुगर डैडी है, तू कैरेक्टरलेस है। आदत तो बट इतना कुछ हो रहा है, मतलब इतना कुछ बोला, फिर वो नेपोटिज्म का एक अलग बवाल खड़ा हो वो तो गया। पहले से ही चल रहा था, जब तो तूने इतना पढ़ा था हाँ वो तो खैर, पर इसने उसकी वजह से हाँ, और उसने गलत बूम कर हुआ। दिया। हाँ पर इतना कुछ, और किसी के पास कुछ एविडेंस है नहीं, बट बोले जा रहे, चिल्लाए जा रहे, सब चिल्लाए जा तो नेपोटिज्म जब आया तो वो श्री 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 1008 कंगना रनावत जी ने भी जंप मारा इसमें। रहे। कि वो तो नहीं रहे। और कंगना रनौत को तो कितनी सारी मूवीज उन्होंने इसके साथ ही की, महेश भट्ट लोग के साथ, जो शुरू में आई थी वो स्टार्टिंग के हमने, 5 साल, हाँ 5 7 साल तो सिर्फ एम गैंगस्टर, भट्ट हाँ में थी वो, फिर उसके बाद उसने बट उसने कैम से भी क्लेम डाल दिया वो इतनी सारा। बड़ी स्टार बन के आई। और उसने वो तो, चल कंगना रनौत तो एक अपने आप में अलग टॉपिक है वो उसपे हम बट बहुत सारा वही है वीडियोस ना। बना सकते हैं। पर यार वही तो, इतना कुछ उसने भी तो, इतना हैरेसमेंट, जैसे तुमने वर्ड यूज किया, हैरेसमेंट ही हुआ ना एक तरीके से उसके साथ भी। और लेकिन अगर समझ, वो अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो गिल्टी है, मैं बोलता हूँ कि एज पर लॉ, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जैसे मुंबई पुलिस हो गई, कुछ है ही नहीं सीबीआई भैया हो उसके गई, खिलाफ। एनसीबी हो गई, लॉ काय और भी जो भी लोग हो गए, का उनके लॉ, हिसाब से हाँ पर तो इंडियन लॉ के लिए एक वर्ड यूज करता है ना, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाती है ना। वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा वर्ड जो, दो एम्बिगुअस। हाँ हाँ एमबी, तो हाँ उसकी लॉ तो वजह से बहुत हाँ एम्बिगुअस है ऑब्वियसली, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा अभी तेरे को इसमें सीबीआई है, एनसीबी है, मुंबई पुलिस है, और भी दूसरे स्टेट्स की भी शायद पुलिस हाँ हाँ इन्वॉल्व थी, मेरे बिल्कुल है। को यूपी की या बिहार की कहीं की तो बिहार पुलिस बिहार इन्वॉल्व पुलिस थी वहां पे, क्योंकि केस रजिस्टर हुआ था। हाँ। और अभी ये ऑब्वियसली केस चल ही रहा है कोर्ट में, तो हाँ अभी तो मेरे को चल ही रहा लगता है, है कि अगर उसकी कुछ गलती है तो ऑब्वियसली उसको सजा होनी चाहिए। हर घर की कोई भी होनी जो भी चाहिए, क्राइम लेकिन अब करेगा सजा होनी होगी चाहिए। हाँ, पर होगी या अगर नहीं होगी पर अभी वो लोग। समझ, अगर वो इनोसेंट रही, अगर मैं बोलता हूँ ये सब कांड हो गया, 1 साल हो अभी गया, तो इसके बाद भी इनोसेंट मान ले, वो इनोसेंट प्रूफ, वो लॉ के हिसाब से उसे इनोसेंट प्रूफ भी कर दिया, तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो इनोसेंट है ही है। नहीं, वो तो है क्योंकि लैक ऑफ बट एविडेंस पे भी इनोसेंट हो सकती है वो, क्योंकि एविडेंस हाँ को 1 साल में तो कितना तोड़ मरोड़ के क्या क्या करके बहुत लोग कुछ भूल चेंज जाते हुआ। हैं अभी कि तो कुछ उन्होंने सारे जो लोग हैं बॉम्ब। वो अपना बयान बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी तो कुछ लेटेस्ट ये भी है तो ना, कुछ हरीश सालवे नाम के और बड़े लॉयर ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे हैं सुशांत सिंह के केस में, कि काफी ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में काफी सारी चीजें और उतने क्लियरली नहीं हुई थी वगैरह वगैरह, तो अभी तो क्योंकि चल अब ही रहा इसमें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी खींचा गया ना, कि दे आर ऑल्सो है। इन्वॉल्व इन सम कंस्पिरेसी एंड ऑल। हाँ गवर्नमेंट का भी था। हाँ तो वही है, तो सब लोग को यही लगता है कि वो 100% इनोसेंट तो नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, 100% इनोसेंट नहीं है, लेकिन 100% गिल्टी भी है या नहीं वो तो कोर्ट ही बताएगा। अच्छा, और ये जो इतना 1 साल से लेकिन
हाँ पर ये बोलो। इट इज नॉट न्यू ना, वो हर केस में सबके साथ ही होता है। तो कोई भी केस ले ले इंडिया में, क्योंकि मीडिया ट्रायल को इंडिया में हाँ आजकल वो न्यूज याद तो नहीं है हर वो भाई, केस के लिए एक चल बंदा रहा जो है। वो सरदार बाइक लेके खड़ा हो गया था और वो लड़की आई थी, जी दिल्ली वो केस सरदार था, जी वो से जो, सरदार जी वाला केस देखे, या ऐसे ये तो बहुत छोटा सा केस हो गया ईव टीजिंग का, या नॉर्मल जिसमें उसकी अरे कोई इनफैक्ट ये गलती भी नहीं ना थी। शाइनी आहूजा वाला केस, हाँ, उसका मेड ने जो किया था, आज तक नहीं पता वो कितना गिल्टी था नहीं था, नहीं लेकिन उसको मेरे फिर ख्याल से तो वो इनोसेंट पाया गया ना, निकला। मतलब हाँ, और केस। जेल तो, हाँ बिल्कुल से, वो तो क्लीन चिट मिल गई, सब हो गया, लेकिन हमें नहीं, लेकिन हाँ बट भाई करियर तो उसका मूवीज बर्बाद वगैरह हो वो गया, सब कभी कहा ही नहीं मिली करियर उसको। सब हाँ, बेकार हो गया उसका। हाँ वही है, करियर करियर नहीं ना। बर्बाद हो गया। और मेरे ख्याल से उसने फिर खुद ही डिसाइड किया कि वो वापस ये हाँ, नहीं करेगा। दीवार लाइन, हाँ मूवीज में नहीं आना चाहेगा या जो भी। जो इनफैक्ट गया तो था। पता है ये अभी शाइनी आहूजा और SSR का ये था कि अभी जब भी शाइनी आहूजा का केस हुआ था तो सब शाइनी आहूजा के ऊपर बहुत चढ़ गए कि ये रेपिस्ट है, रेपिस्ट है, रेपिस्ट है। और उसके बाद जब ये SSR वाला केस हुआ तो बहुत सारे लोग इनफैक्ट शाइनी आहूजा का भी वो, एग्जाम्पल देने लगे हाँ कि ये उसको क्या ये था। इंडस्ट्री ने कैसे फंसा दिया रेप केस में और हाँ, वो भगा तो क्योंकि वो दिया है आउट ऑफ द ऐसे। वो था ना, नेपोटिज्म, वही हाँ वहां पे घुमा फिरा के नेपोटिज्म घुसा ही देते हैं वो। वो इन अ वे आउटसाइडर था, इधर किसी का हाँ, बेटा आउटसाइडर है था ये। बिल्कुल, कोई गॉडफादर नहीं था, इंडिपेंडेंट बना था आके। कि अब मीडिया ट्रायल तो नहीं बच सकते कोई भी इंडिया में, क्या बाहर भी होता ही होगा, हमें नहीं पता इतना ज्यादा, लेकिन मीडिया ट्रायल से तो, अगर तुम कहीं पे इन्वॉल्व हो गए और तुम एक VIP हो या एक तुम सेलिब्रिटी हो, तो तुम फंसोगे ही फंसोगे, तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता। अबे लेकिन यहाँ की पब्लिक ने तो पकड़ लिया ना इसको, रियलिटी को पकड़ पब्लिक लिया। ने पकड़ लिया, वो कोई नहीं छोड़ेगा। मतलब गालियां, ये जो ट्विटर विटर पे बोल रहा था गालियां देने के चक्कर में। वही मीडिया ट्रायल ही तो है, वो भी लोग भी तो हाँ आजकल सब वही, जर्नलिस्ट ही बने घूमे फिर रहे, वही खुद हाँ ही अपने आप वो में जर्नलिस्ट है। झोला लेके निकल कितना भी पड़े। एविडेंस दिखा दे कि उसने कुछ नहीं किया है या फिर हाँ, नहीं किया, लेकिन वो नहीं हो वो सकता अब गोल्डिगर तो क्लियर। उसको बना दिया, अब तो हाँ वो गोल्डिगर है ही, अब तो बिल्कुल, उसको नहीं अंडू नहीं कर सकता, अंडू नहीं कर गोल्डिगर सकता, तो लेकिन है ही। आते 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद सब भूल जाएंगे, किसी को कुछ नहीं याद रहेगा, मान मैं लो। भी भूल जाए, मैं भी शायद ना भूले, पर 1-2% वही है लोग ना। होंगे, रेशो बहुत कम है ना याद रखने वालों का। और इधर प्रॉब्लम वो भी है ना कि कैसे जैसे किसी की डेथ को और उससे जुड़े हुए लोगों, जैसे जो भी उसके फैंस थे या जो भी उनका इमोशन था, उसको क्या किस तरीके से यूज किया गया ना ये सब मीडिया में। जैसे अभी इसके अगेंस्ट इतना हेट क्यों है, क्योंकि उतना ही ज्यादा लोगों को प्यार था सुशांत सिंह राजपूत से, मतलब उतना ही ज्यादा वो उसके फैंस थे। उसने, हाँ, फैंस से बहुत अच्छे, क्योंकि उसने अबे बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे खुद मूवीज, सुशाइड कर लिया रे, वो सुशांत सिंह मर हाँ, गया, हम मर बच्चे गए, आए पर थे, आए थे आए थे, कितने बच्चों की कितने न्यूज़ लोग आई मरने थी, लगे। बच्चों की बहुत न्यूज़ आई थी टीनेजर्स की, जिन्होंने सुसाइड कर लिया उस सही में वक्त लास्ट। वो नहीं समझा मैं, इतने इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि सुसाइड कर लिया लाइक। फैंस होते हैं भाई इमोशनल, अब इतने बड़े फैन नहीं है तो इससे हमें नहीं पता लगेगा। अब तू मे भी दिल नहीं आयरन मैन लेना का है, मतलब, पर यार देख तू बड़े फैन तो जैसे हम आयरन हैं, मैन इतना का है। चाहिए तेरा। नहीं, सुशांत सिंह राजपूत तो किसी का तो होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन होंगे हम, या किसी अरे, और तो पर बड़े अपने फैन लिए इन द कोई सेंस, और वो फैन। कह रहे हैं उतना बड़ा कि सुसाइड खुद ही कर ले, तो मैं वो कह रहा हाँ हूँ वही, उतने उतना उस लेवल के ना इमोशनली हो। अटैच है। हाँ बिल्कुल, नहीं एग्जैक्टली। प्यार किया है कभी तूने आयुष, प्यार किया है? प्यार इसके आयरन मैन से प्यार किया है तूने? साथ यू लव आयरन मैन? लेके नहीं, टोनी उतना टोनी उतने लेवल स्टार्क, का नहीं किया फिर तो, टोनी फिर तो स्टार्क नहीं किया है जूनियर। कि वो अच्छा मैं जब वो सब एंड करा गेम बोले। में, फिर क्या समझेगा रे तू? फिर अच्छा क्या नहीं, मैं समझेगा आयुष तू से रेया पूछ रहा हूँ, चक्रवर्ती और सुशांत सिंह को? तू कैसे समझेगा तू क्या गहरा ये रिश्ता जब था ये किसकी और उसने अवेंजर्स मारा? एंड गेम में टोनी स्टार्क मर जाता है तो आयुष तुझे कैसा फील होता है? मैं बहुत आंसू बहुत आते बुरा हैं तेरे, लगा, आंसू बहुत बुरा निकले लगा। थे, आंसू निकले आंसू थे तो निकले हैं? आंसू नहीं निकले थे तो फिर नहीं बुरा क्या लगा जान तुझे? देगा रे, तो बस तूने मूवी देखी, पेप्सी पिया, टॉयलेट क्या करके आ गया, तूने आंसू वहां से बहा दिए सारे, तो काम खत्म जान सब। देगा। तो फिर निकल तो रहे थे ना, आँखों से निकल आने तो रहे चाहिए थे ना। भाई, तब तो पब्लिक अपने सफेगा ये को ये दर्द। देखेगी तो गाली देगी कि साला तुम हाँ, लोग ये चीज मैं काट दूंगा। कहाँ नहीं, और किसी को कुछ बोलना है रिया चक्रवर्ती के लिए कुछ स्पेशल गिल्टी मैसेज? नील तेरे को कुछ बोलना गिल्टी है, कुछ सांत्वना गोल्डिगर देना है? तूने तो उसको कातिल गिल्टी। बुला दिया। नहीं, नहीं तो बॉयफ्रेंड के लिए भी ट्राई कर सकता है ये। अरे बॉयफ्रेंड चलो बनूंगा तो फिर छोड़ देगी रे मेरे को सुशांत के जैसा, फिर पर लोनली लोनली चलना पड़ेगा मेरे। अभी काफी पॉजिटिविटी आ गई है उसकी लाइफ में, ऐसा लो न्यूज में आया, आज जी न्यूज पर दिखा रहे थे उसने कुछ तो, अरे ऐसा पोस्ट डाल दो सोशल में, वो भी न्यू टीवी न्यूज बन जाती है। उसने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली, टीवी पे आ गया कि देखो कितनी खुश उसे है। लाइव लाइव फीड आ रही कोई थी, फर्क ही लाइव नहीं पड़ा, फीड। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई। अभी क्या दिन भर जिंदगी भर रोएगी क्या? अब क्या अब तो
क्या यार, जीने नहीं देंगे उसको लोग। एसएसआर के फैंस तेरे को भी नहीं जीने देंगे ये लाइन के बाद, तू बोलेंगे अरे अरे हम जिंदगी पर रो रहे। सॉरी नहीं, मैं खिलाफ हूँ। ये रेया चक्रवर्ती मर्डरर है। अपना एड्रेस मत, अपना एड्रेस मत बताइयो वीडियो में, लोग आ जाएंगे तेरे घर पे पथराव करने। बोलेगा सुशांत सिंह चले गए, हमने खाना पीना छोड़ दिया, तू उसको बोल रहा है खुश होने। नहीं 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 ले जाओ उसको, नहीं चाहिए मेरे को। तू बता तेरे मन में कुछ है अगर खत्म करना है। मेरे मन में तो बस वही है कि गिल्टी गिल्टी है वो। अच्छा भाई तू मेरा भी सेम ही है भाई कि है तो देखिए तो ऑब्वियसली हम चारों को ये लगता है कि वो 100% इनोसेंट तो है नहीं, उसने कुछ गड़बड़ की है और कुछ ना कुछ तो उसका लेना देना है। बट मैं यही चाहूंगा कि इसका जो भी कंक्लूजन निकलना चाहिए वो लॉ, हाँ नहीं वो जो अपना ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी लॉ अथॉरिटीज है वो लोग बैठ के निकाले, ना कि ये टीवी स्टूडियो यूट्यूब पे, हाँ ना ही तो कोई यूट्यूबर कोई इंस्टाग्राम चैनल कोई भी ना निकाले, ऐसे सिर्फ लॉ के हिसाब से। मुझे लगता है कि लॉ के हिसाब से वो इनोसेंट है, लॉ के हिसाब से वो इनोसेंट है, क्योंकि अगर कुछ होता तो अभी तक वो अंदर रहती है, बाहर नहीं रहती। बेल मिल जाती है सबके। थोड़ा कट हुआ आवाज बट समझ गए हम, तू बोल रहा है कि वो लॉ के हिसाब से इनोसेंट है, अगर तो फिर उसको बेल नहीं मिलती या वो कुछ अरेस्ट हो जाती। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, ठोस एविडेंस नहीं है उसका क्या। अगर किसी का दिल तोड़ना है, मतलब वो तो चलता ही है, हर रिलेशनशिप में होता है, करा सकते कि मतलब उसकी पूरी जिंदगी करियर की ले नहीं सकते। चलो ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं भाई आयुष। ओके गाइस, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी कमेंट्स या कुछ भी, अरे हाँ आकाश भाई बोलना भूल गया ना, तो ये वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे ये वीडियो मोस्टली हम चाह रहे हैं कि रिया का चक्रवर्ती के बर्थडे पे निकले 1 जुलाई, तो रिया चक्रवर्ती का शेयर जरूर करना इसे। हैप्पी बर्थडे रिया।